इस वीडियो में आपको तीन उपाय बताए जाएंगे जिसे करने से आपके जीवन में आ रही समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अपना राशि नाम जरूर लिखें, जिसे कि आपके लिए कोई उपाय हो तो हम आपको कमेंट के माध्यम से बता सके। मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल आचार्य रितेश पंडे पर। मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको सितंबर माह की शिवरात्रि के बारे में बताया जाएगा और इस दिन क्या करने से आपके सारे दुख कष्ट खत्म होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मासिक शिवरात्रि यानी महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि। हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने और शिव जी की पूजा करने का विधान है। अभी भाद्रपद माह चल रहा है और इस महीने 13 सितंबर 2023 को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव शंभु भगवान शंकर की पूजा करने का विधान है। शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन जो भक्त विधि विधान से शिव जी की पूजा की जाती है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन इसी के साथ मासिक शिवरात्रि के दिन ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए कुछ उपाय को कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन इन उपायों को करने से शनि मंगल और राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। कब है मासिक शिवरात्रि? बुधवार 13 सितंबर 2023, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि आरंभ 13 सितंबर 2023 रात 02:21, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि समाप्त 14 सितंबर 2023 सुबह 04:48 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 14 सितंबर 2023 सुबह 11:54 से रात 12:40 तक पहला उपाय है। सुख समृद्धि के लिए शिवरात्रि की शाम को अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। यह शिवलिंग आपके अंगूठे के पहले पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस शिवलिंग की इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में उसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। दूसरा उपाय है सुहाग सामग्री का दान। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री सुहाग सामग्री का दान करती है उनका सुहाग हमेशा बना रहता है। तो इस दिन माता बहनें शिवरात्रि पर सांध्यकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीजें दान कर दे और इस दान को किसी से बताए नहीं बल्कि गुप्त रखे। तीसरा उपाय है शिव मंदिर में 11 दिए। यदि आप नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। आपके समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था, इसी वजह से वो अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। जय श्री मां।